ऐसी दो गलतियां जो हम में से काफ़ी सारे लोग करते हैं एज कार ओनर्स, और इन गलतियों से हमारी कार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बस उन दो गलतियों के बारे में थोड़ा बात करूंगा, सो दैट आप इनसे कुछ सीख सको और आप अपनी कार में ये नुकसान होने से बचा सको। जो पहली गलती जो हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं वो है, हम अपने क्लच पैडल को एज फुटरेस्ट यूज़ करते हैं। जब मान लो हम ट्रैफिक कंडीशंस में ड्राइव कर रहे हो या जहाँ कार स्लोली मतलब चल रही हो ऐसी कंडीशंस में, या फिर अपहिल जा रहे हो, बार बार रोक के मतलब ऊपर जाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशंस में हम अपने क्लच पैडल को एज ब्रेक और उसके साथ साथ एज फुटरेस्ट भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसको एज फुटरेस्ट यूज़ करना काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है हमारी कार के इंजन और ट्रांसमिशन के लिए। जो क्लच असेंबली होती है वो इंजन और गियरबॉक्स के बीच में लगी रहती है, तो इसका बेसिक फंक्शन रहता है इंजन से आने वाले पावर को गियरबॉक्स तक पहुंचाने का और उस पावर को कट करने का जब हम गियर शिफ्टिंग कर रहे हों। तो इसीलिए हम गियर शिफ्टिंग के टाइम पे क्लच को प्रेस करते हैं और उसके बाद हम गियर चेंज करते हैं। उस टाइम पे क्लच प्रेस करने से इंजन से आने वाला पावर आगे ट्रांसमिट नहीं होता, तो वो ट्रांसमिशन में नहीं आता और हम इजीली गियर को शिफ्ट कर पाते हैं। तो अगर हम क्लच पैडल पे पार्शियली भी अपना फुट रखते हैं, इससे प्रेशर आगे जाता है और उसके कारण प्रेशर प्लेट्स में फ्रिक्शन क्रिएट होगी, जो कि इवेंचुअली हमारी क्लच असेंबली को डैमेज कर सकती है और उससे होने वाला डैमेज फिर आगे इंजन तक भी जा सकता है। तो ये रेगुलरली करने पर काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, तो अवॉइड करना चाहिए, इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। सेकंड जो बहुत बड़ी गलती काफ़ी ड्राइवर्स करते हैं वो है अपने हाथ को गियर लीवर पे रेस्ट करना। ये एक अगेन हैबिट है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है आपके कार के ट्रांसमिशन को। अब गियर लीवर का काम गियर को इंगेज डिसंगेज करना है और गियर लीवर भी काफ़ी प्रेशर सेंसिटिव होते हैं। अगर आप देखें, अगर आप गियर लीवर पे हाथ अपना रख रहे हैं और लेकिन आप गियर चेंज नहीं कर रहे, तो ये प्रेशर आगे जाके गियर्स को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होगी इवेंचुअली। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारी गियर्स की शिफ्टिंग थोड़ी हार्ड हो जाएगी। मतलब अगर आप गियर चेंज करेंगे तो आपको फील होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जबकि नॉर्मली गियर्स बड़े ईजीली शिफ्ट हो जाती हैं। तो अभी आप देखेंगे बड़े इजीली गियर शिफ्ट हो रही है, लेकिन मैं इसको एक दो उंगली से आराम से शिफ्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर इसी गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होगी तो ये शिफ्टिंग काफ़ी स्लो होगी और वो सिर्फ और सिर्फ जो गियर टीथ हैं वो डैमेज होने की वजह से होती है। इसीलिए कभी भी इस पे हाथ रख के ऐसे ड्राइव नहीं करना चाहिए। हम लॉन्ग ड्राइव्स में इसको एज हैंड रेस्ट यूज़ करने लग जाते हैं, जो कि एक अच्छी हैबिट नहीं है। ये दोनों गलतियां जो हम एज ड्राइवर्स करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है हमारी कार को। गियर बॉक्स में इशू होना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, गियर बॉक्स का रिपेयर, और सेम हमारी क्लच असेंबली का रिपेयर भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। और अगर हम ये फ्रीक्वेंटली करेंगे तो इवेंचुअली ये डैमेज आगे हमारे इंजन तक जा सकता है, क्योंकि इवेंचुअली ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं इंजन से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।